अगर कोई भी वीडियो के पीछे अगर एक शेडो आ जाता है तो ऑब्वियसली वो वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम देखने को मिलता है। इससे एक 3D-ness आ जाता है वीडियो पे। और अगर हम लोग कोई भी ग्रीन स्क्रीन के मदद से कोई भी वीडियो को क्रिएट करते हैं और उसके पीछे कुछ इस टाइप का शेडो दे देते हैं तो ऑब्वियसली उस वीडियो को देखने के बाद कोई ये नहीं बता पाएगा कि हम लोगों ने उस पर ग्रीन स्क्रीन यूज किया है। शेडो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कोई भी वीडियो के लिए। किसी भी वीडियो में अगर शेडो होता है तो उस वीडियो को देखने का मजा कुछ अलग ही होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सभी वीडियो को कुछ ऐसे नॉर्मल से कुछ इस टाइप से कन्वर्ट कर पाएंगे और एक शेडो क्रिएट कर पाएंगे अपने पीछे, तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो वीडियो को देखना लास्ट तक जरूर, और पहली बार चैनल पर आया तो जरूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस रोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो के पीछे शेडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू जिसका नाम है काइन मास्टर, और वो एंड्रॉयड का मोस्ट पावरफुल वीडियो एडिटर है। तो आप प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वो प्ले स्टोर ऐप स्टोर हर जगह पर अवेलेबल है, तो आप उसको डेफिनेटली जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बिना आप शेडो क्रिएट नहीं कर सकते अपने एंड्रॉयड में किसी भी वीडियो का। तो फटाफट से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फिर मैं आपको ले चलता हूँ एंड्रॉयड के स्क्रीन पर। तो यहाँ से हम लोग आ गए हैं एंड्रॉयड के स्क्रीन पर। एंड्रॉयड के स्क्रीन पर आने के बाद, काइन मास्टर में आने के बाद, सबसे पहले तो हम लोगों को वहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को जिस भी वीडियो का शेडो क्रिएट करना उस वीडियो को हम लोग को लेयर में जाके सेलेक्ट करना है। तो लेयर में जाकर हम लोग कोई भी एक रैंडमली वीडियो पिक कर लेते हैं। वीडियो को पिक करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को सही से एडजस्ट कर लेना है आपके लेयर में, और उसके बाद उस वीडियो को आपको डुप्लीकेट करना है, मतलब कॉपी करना है, आप समझ जाओ। फिर उन दोनों कॉपी में से कोई एक कॉपी को आपको एडजस्टमेंट में जाके उसको डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद उसको आपको पीछे भेज देना, मतलब सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद अब आपको वो शेडो जैसा हल्का सा दिख रहा होगा, बट अभी भी ये काम अधूरा है, अभी भी ये पता चल रहा है कि ये थोड़ा बहुत एडिटेड है, तो उसको हम लोग को थोड़ा सा ओपेसिटी घटाना है और सही से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख ही सकते हैं ये किस तरह का दिख रहा है। तो यही था ये छोटा सा प्रोसेस। अगर प्रोसेस सही लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।